मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नवनीत नगर में ससुरालियों ने ही विवाहिता की हत्या की थी। मृतका के मासूम बच्चों ने रो रो कर बयां किया हत्या वाले दिन का दृश्य। हम आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व थाना हाईवे अंतर्गत दिल्ली बाउंड्री के पास स्थित नवनीत नगर कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद विवाहिता के परिजनों ने महिला के पति सहजाद पर हत्या करने का आरोप लगाया था। 32 वर्षीय विवाहिता फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तभी मृतका के परिजनों ने पति सहजाद पर हत्या करने का आरोप लगाया था। परिजनों का कहना था कि उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था। सहजाद ऑटो चलाने का कार्य करता था, उसने उनकी पुत्री की हत्या की, लेकिन थाना हाईवे पुलिस ने अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और ना ही कोई गिरफ्तारी की। इसी से क्षुब्ध होकर मृतका के परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर मृतका की मां बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। वहीं रोते बिलखते बच्चों ने अपनी मां के साथ हुए अत्याचार और उसकी हत्या के संबंध में जानकारी दी। अबला ने मेरी बेटी मार दी, उसके ससुरालियों ने मारी है, उसके दो बच्चे है, उन्होंने मिलके मारी है। एक पहले कर दिया था उन्होंने मर्डर, दो साल पहले, दो महीने पहले। नहीं हुई मेरी कोई सुनवाई, नहीं हो रही कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने डॉक्टर तक करी।